वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, हिट दी बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जो बनाया गया है सिंह राशि के लिए अक्टूबर 2020 के लिए। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दिनों आपके साथ क्या घटनाएं होंगी, कुछ अच्छी घटनाएं होंगी और कुछ बुरी। बुरी घटनाओं से बचने के लिए वीडियो के आखिर में हमने आपको कुछ उपाय और सुझाव भी दिए हैं जिसे करने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में हमने आपको आपके व्यापार, जॉब, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य के बारे में बताया है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का यह वीडियो। इस महीने में आपको 15 अक्टूबर 2020 तक अपने लंबित और महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आपका स्वामी सूर्य कमजोर होगा और आप खराब स्तर का अनुभव करेंगे। आप में आत्मविश्वास की कुछ कमी होगी। इस महीने में आपको कार्यस्थल पर कुछ विवादों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा। यह महीना आपकी लव लाइफ और बच्चों से जुड़े मामलों के लिए अच्छा महीना रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए प्रतिकूलताओं के क्षणों में अपनी आंत भावना पर भरोसा रखें, अपने शांत और पल को आगे रखें। आपकी राशि का सूर्य और आपकी किस्मत का स्वामी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन आपका कैरियर स्वामी शुक्र आपकी राशि में सिंह राशि में आएगा, इसीलिए इस महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने कैरियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समस्याएं और बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको अपने नेतृत्व कौशल का उपयोग करना चाहिए। कार्यस्थल पर आपको कुछ षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि 15 अक्टूबर 2020 से पहले अपना महत्वपूर्ण काम पूरा कर लें। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। आपको इस महीने में अपने नेतृत्व और प्रबंधन की गुणवत्ता का उपयोग करना चाहोगा, अन्यथा आपको अपनी नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दुर्भाग्य से अब आपके कैरियर राहु और केतु के प्रभाव में है, इसीलिए चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होंगी। कार्यस्थल पर आपको कुछ साजिशों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आपको खुली आँखों से काम करना होगा और कार्यस्थल पर किसी भी भरोसा ना करें, बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने व्यवसाय में कड़ी मेहनत करेंगे और आप अपने व्यवसाय में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले 1.5 साल आपके व्यवसाय में बहुत अच्छे नहीं थे, आपने कुछ गलत फैसले लिए और समस्याओं का सामना किया, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर दिख रही हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आप अपने व्यवसाय में बेहतर करेंगे। लेकिन आपको अपने व्यवसाय में 2 समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला, आप और आपके साथी बहुत अच्छी समझ नहीं होंगे, और दूसरा, आप अपने व्यवसाय में सरकार के अधिकारियों के साथ कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आपके प्रेम स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, इसीलिए यह महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा महीना होगा। सिंह राशि वालों को लंबे समय से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। अगर आप अविवाहित हैं और नए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो आप किसी को नया पाएंगे। यदि आप पहले से ही संबंध में हैं तो आपको अपने साथी के साथ अक्टूबर 2020 में बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। यदि आप सिंगल हैं तो हम अक्टूबर 2020 में आपके लिए खुशखबरी की उम्मीद कर सकते हैं। इस महीने में आप डेटिंग वेबसाइट या अपने मित्र मंडली के माध्यम से अपने साथी को पा सकते हैं। अगर आप नए साथी की तलाश कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। आपके दोस्त और रिश्तेदार आपकी लव लाइफ में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप अपने रिश्ते में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप अपने साथी के साथ आपसी समझ से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मुख्य रूप से यदि आपका साथी मेष, मिथुन या धनु है तो आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आपके लग्न के स्वामी शनि की स्थिति औसत है तो अक्टूबर 2020 आपके विवाहित जीवन के लिए एक औसत महीना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मुझे आपके रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। आप दोनों एक ही जगह पर होंगे, कुछ छोटे मोटे विवाद होंगे लेकिन चीज़ें मैनेज होंगी।
यदि आप अविवाहित हैं और साथी की तलाश कर रहे हैं तो मुझे अक्टूबर 2020 में आपके लिए बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको अपनी आत्मा मिल जाएगी। संतान संबंधी मामलों के लिए यह महीना अच्छा है। यदि आप बच्चे की जन्म की तलाश में हैं तो आप शुभ समाचार की उम्मीद कर सकते हैं। वित्तीय मुख्य ग्रह बुध तुला राशि में होगा। आपके प्रयासों के घर में बुध की स्थिति रहेगी, इसीलिए इस महीने में आप अपनी मेहनत से धन अर्जित करेंगे। मैं आपके लिए लॉटरी, स्टॉक मार्केट आदि जैसे अप्रत्याशित स्रोतों से नुकसान हो सकता है, लेकिन आप अपनी कड़ी मेहनत और अपने नियमित पेशे से पर्याप्त कमाई करेंगे तो आपके पास अपने नियमित बिलों के भुगतान के लिए पर्याप्त होगा। यह आपके शैक्षिक मामलों के लिए एक चुनौतीपूर्ण महीना होगा। आपकी एकाग्रता का स्तर आपकी शिक्षा में समस्याएं पैदा करेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी शिक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। इस महीने में उच्च स्तर की एकाग्रता और अध्ययन कर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके स्वामी सूर्य की स्थिति अक्टूबर 2020 के दूसरे भाग में भी बहुत अच्छी नहीं होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अक्टूबर 2020 तुला राशि के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं होगा। इस महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको आँखों, हड्डियों, दांतों, बुखार आदि से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा तो आपको सूर्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन कि आपने ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल देसी भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।